नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल स्मार्ट टेलीकॉम। अभी तक हमारे आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जी दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका चैनल स्मार्ट टेलीकॉम। दोस्तों मैं आज आपको एक अपडेट देना चाहता हूँ, एक बहुत ही अच्छे टूल के बारे में बताना चाहता हूँ। दोस्तों ये टूल है आपका एप फाइंडर, जो कि आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा। दोस्तों अगर नहीं सुना है तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, अगर सुना है तो कोई बात नहीं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये ऐसे टेक्नीशियन लोगों के लिए है जो कि काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम करना चाहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा टूल है ऐप फाइंडर, और आप इसे डाउनलोड करें, आप इसे परचेज करें। मैं इसको टूल चलाना और डाउनलोड करना सारा सेटअप आपको बताऊंगा दोस्तों, और ये भी बताऊंगा इसे कैसे यूज करते हैं, इसे कैसे पढ़ा जाता है, कैसे रीड किया जाता है दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और दोस्तों मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ, मैं जुड़ चुका हूँ इसे टेलीकॉम से, और आपको अगर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कोर्स एक अच्छा बेस नॉलेज लेना है तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं एशिया टेलीकॉम, इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और एक अच्छा कोर्स का अनुभव ले सकते हैं दोस्तों। तो चलिए मैं आपको ये बताता हूँ सबसे पहले कि एप फेंडर को कैसे डाउनलोड करना है, और एप फेंडर में आपको दोस्तों हमेशा अपडेट बना रहना होगा। तो अपडेट बने रहने के लिए आप क्रोम में जाएंगे दोस्तों, ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर रखा है तो मैं आपको बस बता रहा हूँ कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है। तो आपको टाइप करना है एप फेंडर टूल, ये देखिए दोस्तों। तो आपको क्या टाइप करना है एप फेंडर टूल, तो आप नीचे जाएंगे दोस्तों, नीचे जाएंगे, जैसे ही नीचे जाएंगे आपको मिलेगा एप फेंडर टूल स्मार्ट वे, आप इस पर क्लिक करेंगे। ये एक बहुत ही अच्छी साइट है दोस्तों, जिससे आपको इस टूल के अपडेट हमेशा मिलते रहेंगे। तो जो अभी इसका अपडेट है वो आपको दिख जाएगा, और अपडेट जैसे ही दिख जाएगा आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं सारा चीज़ बता दूंगा दोस्तों, ये मेरा डाउनलोडेड है, ये मैंने डाउनलोड पहले से करके रखा हुआ है तो मैं डाउनलोड नहीं करूंगा, बट आपको लास्ट तक दिखा देता हूँ कैसे डाउनलोड करना दोस्तों। इन्होंने बहुत अच्छा हमेशा अपडेट डालते रहते, जैसे कि ओप्पो सीरीज के F1S, A3, A71, A83, F9, ये सारे मॉडल ऐड है दोस्तों। वीवो के भी सेट नए, न्यू सीरीज बायो अपडेट, A57, A5S तक के अभी नए हो गए दोस्तों, A37, R17, R9, R9S, R9+, ये सारे दोस्तों अपडेट हो गए। ये दोस्तों वीडियो लंबा हो सकता है, अगर जिन भाइयों को, जिन दोस्तों को अच्छा नहीं लगे वो स्किप और डिसलाइक कर सकते हैं, बट जिनको अगर अच्छा है, जिनको जानना है, जो बहुत दूर से हैं, जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कोर्स नहीं सीख पा रहे हैं या फिर नहीं आ पा रहे हैं किसी कारणवश ऐसे टेलीकॉम में, तो आप ये वीडियो जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो जो फ्रेशर है, जो काम कर रहे हैं, जो काम प्रबुद्ध करना जान रहे हैं, तो ये वीडियो कुछ उनके लिए, जब तक प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा ट्रेसिंग का तब तक वो कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर भी कोशिश ये करते हैं कि हम आपको बता सकें कि क्या थोड़ा बहुत तो ईजी हो ही जाएगा दोस्तों। चलिए तो ये टूल को कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, ये आपको डाउनलोड करना है। ये देखिए अभी वर्जन चल रहा है इसका दोस्तों, एप फेंडर 1.2.50, ये है डेट 12 जून को अपडेट हुआ दोस्तों। तब से डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको गूगल की साइट में चला जाएगा डाउनलोड करने के लिए दोस्तों। तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, तो मैं तो दोस्तों ये मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं इसे डाउनलोड नहीं करूँगा। और आप इसे ये देखिए, मैंने आपको बता दिया यहाँ पे ना, आप ये देखिए डाउनलोड प्रोसेस हो रहा है, और आपको दिखा दूँ ये देखिए, उससे पहले 1.241 था, फिर उससे पहले दोस्तों 1.2, ये सारे अपडेटेड हैं। तो अभी जो लेटेस्ट है हमारा 1.2.50 है दोस्तों, तो आप उससे ही डाउनलोड करेंगे, और इसमें अपडेट बने रहना है, इसमें हर एक मॉडल ऐड हो सकते हैं, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। ये सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे, कहाँ से परचेज करना है, कहाँ से परचेज नहीं करना है, ये आपके ऊपर है दोस्तों। तो अपडेटेड यही है 1.2.5.0। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा है, और आपको इसको इंस्टॉल कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है, ये आगे आपको, ये देखिए दोस्तों
कुछ नहीं करना है, डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, ये डाउनलोड प्रोसेस चालू हो जाएगा। उनसे काट देते दोस्तों, मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। मैं आप पहले बता दूँ दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है अगर ये देखेंगे तो मैं एकदम, और दोस्तों मेरे चैनल में कोई फेक वीडियो आपको नहीं मिलेंगे, और ये वीडियो इसलिए आपको लंबा हो सकता है क्योंकि ये मैं सारा इसको स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूंगा, जो कि बहुत ही ईजी और बहुत ही अच्छा रहेगा आपको समझने में दोस्तों। तो मैंने ये देखी दोस्तों, मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है, ये देखो वही वर्जन है जो कि हमने आपको दिखाया था 1.2.50। अब इसे कुछ नहीं करना है, डबल क्लिक करना है दोस्तों। इंस्टॉलेशन तो हालांकि सारे को पता ही होगा, नॉर्मल ही है, जैसे नारे नॉर्मल हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं बस वैसे ही है। और एक ये दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूँ, ये एक ऑनलाइन सर्वर है, तो इसके लिए दोस्तों आपको नेट को कनेक्ट करके रखना होगा, ऐसा कर देना। ये देखिए दोस्तों, ये एक ऑनलाइन सर्वर है जो कि आपको नेट से कनेक्ट होना ही है, तभी जाके ये खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। तो दोस्तों ये देखिए फिनिश हो गया, नॉर्मल इसका इंस्टॉलेशन था, तो मैंने सोचा कि एक बार शुरू से ये वीडियो बना दिया जाए, जिससे इंस्टॉल जिन भाइयों को इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं या उनको फाइल टूल नहीं मिल रही है, तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, मैं टूल का लिंक भी डाल दूंगा वैसे। तो अब ये देखिए, ये आइकन बन गया, आ गया टूल, आ गया अपना। अब इसे कुछ नहीं करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, उसको डबल क्लिक करेंगे और ये ओपन हो जाएगा, और टाइम लगेगा। और ये दोस्तों मैं आपको बता दूं, बहुत ही अच्छा ये टूल है, जिस और इससे आप हमेशा अपडेट से जुड़े रहे तो आपके सारे नए फोन, ये देखिए दोस्तों ये सर्वर से अगर आप नहीं जुड़े हैं, मैंने और टूल को लगाया हुआ है अपने लैपटॉप में, तो ये देखिए मेरा सीरियल नंबर भी आ रहा है दोस्तों। और मैं आपको बता दूँ, ये देखिए जो हमने अपडेटेड वाली की है तो अभी 1.2.50, कोई फेक वीडियो नहीं है, इसलिए टाइम लग रहा है क्योंकि मैं कोई वीडियो स्किप नहीं कर रहा हूँ, रोक नहीं रहा हूँ, और इसको प्रॉपरली आपको जो जैसा स्टार्ट होता है, जैसा होना चाहिए, जो प्रोसेस है, मैं सारा प्रोसेस बाय प्रोसेस, ये मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा एप्पल का। ये एप्पल के लिए दोस्तों बहुत ही बेस्ट है, ठीक है, इसमें आप क्योंकि इसमें बहुत ही नैनो कंपोनेंट्स होते हैं, आप उसे फाइंड नहीं कर पाएंगे, बहुत ही आपको उसके लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, तो इसके माध्यम से आप दोस्तों डायरेक्टली उस कंपोनेंट को फाइंड करेंगे। चलिए तो मैं आपको और आगे का दिखा देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ जो आजकल सबसे ज़्यादा फोन आ रहे हैं, सैमसंग, एक्सोमी और एंड्रॉयड में सारे सर, आपको एक एक बार दिखा देते हैं हाईलाइट, पहले आपको हाईलाइट दिखा देते हैं, फिर प्रॉपर एक मॉडल पे दोस्तों आपको ये दिखा दिया जाएगा कि क्या है, कैसा है, क्या सोल्यूशन है, जिन भाइयों को वो पता है क्या करते हैं हम, तो उन्हें बहुत ही अच्छा है, जो कर रहे हैं जिन्हें ट्रेसिंग का नॉलेज है तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि ट्रेसिंग उनकी आसान हो जाएगी। और दोस्तों देखते हैं, ये एक सर्वर है, ऑनलाइन सर्वर से जुड़ा होता है ये, देखिए सारे मॉडल जो भी इसमें अपडेट हैं, जितने मॉडल इसमें जुड़े हुए हैं दोस्तों, उतने मॉडल इसमें ऐड है, ठीक है। तो 5 पे रेडमी नोट 5 पे, रेडमी नोट 5, तो हम इसको 5 पे को देख लेते हैं। दोस्तों मेरा थोड़ा नेटवर्क वीक था तो फाइल ओपन नहीं हो रही थी, तो मैंने उसको फिर से कट करके, देखिए कट करके मैंने फिर से ओपन किया है, 5 पे ही है, तो मैं इसके बारे में सारा बता देता हूँ। और सब कुछ ऐसे ही है दोस्तों, फिर आपको हाईलाइट दिखा दूंगा कि कौन कौन से मॉडल इसमें अभी तक ऐड है, कौन कौन से मॉडल अभी नहीं है दोस्तों। तो ये 5 पे का कर रहा है, लोडिंग कर रहा है डाटा, तो दोस्तों बहुत ही बेस्ट है, और इसके लिए नेट थोड़ा आपको अच्छा चाहिए जिससे कि आप इसमें वर्क कर सकें, क्योंकि एक बार लोड हो गया ना तो फिर आपको टेंशन नहीं है। और देखते हैं, थोड़ा टाइम तो लग ही रहा है, नेट स्लो है यहाँ पे। और आपको सारा सोल्यूशन, मतलब एक जो टेक्नीशियन है जो दोस्तों इसमें आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, और थोड़ी वीडियो लंबी तो जा रही है पर ना तो लोडिंग नहीं लेना चाहिए, मैं थोड़ा इसको लोड होने देता हूँ, तब से रोक देता हूँ, पॉज कर देता हूँ।
हाँ दोस्तों, ये देखिए प्रॉपरली हो गया है, तो मैं इसके बारे में सारा बता देता हूँ और कैसे यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, कैसे इसे रीड करते हैं, कैसे इसे समझते हैं। तो दोस्तों, हमें अगर हार्डवेयर में कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं एक एक बार दिखा देता हूँ, थोड़ा वीडियो लंबा है, समझ लेंगे तो आपके लिए ही अच्छा है दोस्तों। तो मैं आपको दिखा दूँ फेंडर के बारे में। ये देखिए, जैसे मान लीजिए आपको ऑडियो सेक्शन ले लेते हैं, मान लीजिए ऑडियो सेक्शन ही ले लेते हैं, ठीक है, ऑडियो सेक्शन में ले लेते हैं, हमें प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता है, ठीक है, एयर स्पीकर का ही ले लेते हैं दोस्तों, या तो लाउड स्पीकर, ठीक है, तो हम ले लेते हैं दोस्तों एयर स्पीकर का ही ले लेते हैं, ठीक है, तो इंस्टर सोल्यूशन ले लेते हैं। तो पहला देखिए क्या हो सकता है, पहला सोल्यूशन, चलो कुछ नहीं करना दोस्तों, सोल्यूशन वन पे क्लिक करना है। तो आपको अभी ये देखिए, आपको ब्लिंक दिख रही होगी, मैं थोड़ा जूम करूंगा आपको, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ब्लिंक कर रही है क्या, और कहीं पे ब्लिंक नहीं कर रहा है, तो मतलब पहला सोल्यूशन ये है हमारा। और आपको साइड करने के लिए प्लस आइकन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे ये देखिए, और कहीं पे ब्लिंक कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, तो मतलब इन्होंने पहला सोल्यूशन बताया है कि यहाँ पे दो अगर कॉम्पोनेंट्स का नॉलेज है दोस्तों, तो अभी आप इसको रीड कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे, और नॉलेज है तो बहुत ही बेस्ट है। तो यहाँ पे डायोड लगे हुए हैं दो, तो इन्हें रिमूव करने के लिए बोला है। पहला सोल्यूशन इनका ये है कि अगर काम नहीं करता है ईयर स्पीकर, तो इन्हें रिमूव कर दीजिए, क्या पता हो शॉर्टिंग हो सकते हैं, उनको पहला फ्रीज का नॉलेज होना चाहिए, तभी हम इस पर काम कर पाएंगे दोस्तों, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और कहीं पे देखिए डीप मतलब नहीं हो रहा है, ये देखिए, ठीक है। तो अब सेकंड सोल्यूशन देखते हैं, देखिए वहीं पे जस्ट और कहीं पे चेक कर लेते हैं, ये देखिए, और कहीं पे तो नहीं कर रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मिल सकते हैं, क्या बोल रहा है, रिप्लेस या तो जम्पर, मतलब आपको कॉम्पोनेंट्स का अगर नॉलेज है तो आप इसे कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, आप इसे चेक करेंगे कि रजिस्टर लगा हुआ है कि कॉइल लगा हुआ है, तो आप इसे जम्पर करेंगे या तो रिप्लेस करेंगे, ये इनका सेकंड सोल्यूशन है। मतलब ये आपके बोर्ड में ना तुरंत आपको बता दिया जाता है कि कहाँ से क्या फाइंड करना है, ये देखिए दोस्तों, और कहीं तो ब्लिंक नहीं कर रहा है ना, इनका सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप था कि कोई कैप्चर या तो डायोड से आप रिमूव करें, ये देखिए, और कहीं पे नहीं कर रहा है। अब देखते हैं इनका तीसरा सोल्यूशन, अब देखिए तीसरा सोल्यूशन हमें अभी तक तो कोई नहीं दिख रहा है, तो हम इसे बैक करेंगे, बैक करने के बाद देखेंगे, ये देखिए प्लस, ये देखिए दोस्तों, मतलब वो क्या बोल रहे हैं, डायरेक्ट तीसरा इनका आ गया आईसी पे, कौन सी आईसी पे दोस्तों, तो या तो इनको आपको क्या कहते हैं रिवॉल्व करें, या तो रिप्लेस करें, या तो रिवॉल्व करें, ये है दोस्तों, ये मतलब पहला इनका था रिमूव करें किसी भी कंपोनेंट को फाइंड करके, फिर सेकंड था इनका जम्पर करें कंपोनेंट को फाइंड करके, और तीसरा आईसी पे। ऐसे ही सारे सेक्शन है दोस्तों। मान लीजिए इसमें हम डिस्प्ले पे चलते हैं, डेड फोन सबसे ज्यादातर अगर डेड फोन होता है तो ये लंबा हो सकता है दोस्तों, तो एक बार देख लेते हैं डेड फोन, डेड फोन का कई बहुत से रीजन के कारण डेड हो सकता है, तो ये आपको चेक करना है स्टेप बाय स्टेप। चार्जिंग का एक आपको दिखा देते हैं, चार्जिंग में आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, फेक चार्जिंग हो सकता है, चार्जिंग नॉट हो सकता है, नॉट चार्जिंग हो सकता है, बैटरी टेम्परेचर हाई, बैटरी टेम्परेचर लो, तो फेक चार्जिंग का पहले सबसे पहले देख सकते हैं दोस्तों। तो पहला सोल्यूशन, पहला सोल्यूशन जूम आउट करते हैं इसको, तो देखिए पहला सोल्यूशन ये क्या बोल रहा है, कॉम्पोनेंट्स का नॉलेज हमें होना, कहीं पे बिलीव नहीं कर रहा दोस्तों, तो ये बहुत ही मतलब आपको सर्किट डायग्राम पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो ये देखिए यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। तो अगर आपको ये कॉम्पोनेंट्स का नॉलेज होगा तभी आप इस पे वर्क कर पाएंगे, और नहीं तो नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो देखिए एक ये कोड रजिस्टर है, कोड रजिस्टर को रिप्लेस करने के लिए बोल रहा है, अभी कॉम्प्लेक्स का आपको नॉलेज होना चाहिए कि हम इसे क्या कर सकते हैं, ये दोस्तों। और सेकंड सोल्यूशन देखिए क्या बोल रहे हैं, ये देखिए वहीं पे जस्ट बगल में एक कैपेसिटर है और एक बूस्ट कॉइल है, तो अब आप इसे फाइंड करेंगे, तो ये देखिए रिप्लेस करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये है इसका फेंडर का ट्रिक, और कहीं पे आपको नहीं आएगी बीप, कहीं पे आपको नहीं कर रहा है, ये आपका तीसरा सोल्यूशन है।
डायरेक्ट आईसी रिप्लेस रिवॉल्व या फिर रिवर्ट, रिहॉट करें सबसे पहले, फिर रिवॉल्विंग या तो रिप्लेस, तीन में से आपको ये स्टेप करना ही करना होगा। चार्जिंग की, चार्जिंग की आईसी दोस्तों, ये कॉन्टेंट्स का नॉलेज होना चाहिए हमें, प्रेसिंग आनी चाहिए, तब जाके हम इस पे काम कर पाएंगे दोस्तों, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही सारा है, सारा का सब एक ही मेथड है, डिस्प्ले हो गया, डेड फोन हो गया, जो भी है एलसीएम, ये ग्राफिक्स का होता है। तो दोस्तों ये सारा चीज ये देखिए, पहले तो पहले सोल्यूशन इन्होंने दे दिया रिप्लेस या तो जम्पर, अब हम रिप्लेस किसे करते हैं, जम्पर किसे करते हैं, ये कॉन्फ्रेंस का हमें नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। तो इस नॉलेज के लिए आप ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही बेस्ट चीप लेवल का काम यहाँ पे सिखाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आपको पता चल ही गया होगा, फिर हम इसे कट करते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले एम आई का ही दिखा दिया था, एम आई में सारे मॉडल आपको देखिए, इतने सारे मॉडल हैं दोस्तों एम आई, अभी तक इतने सारे ऐड हुए हैं, धीरे धीरे और भी ऐड हो जाएंगे दोस्तों। तो एम आई नोट 3, एम आई 1, एम आई 2A, ऐसा सारे मॉडल है दोस्तों, ठीक है। तो फिर हम आते हैं एंड्रॉयड में। अब आपने मैंने एक प्रैक्टिकल, मतलब आपको प्रैक्टिकल तो नहीं, मतलब आपको बोर्ड के थ्रू मैंने दिखाई दिया आपको। अब देखिए ओप्पो में, एंड्रॉयड में ओप्पो A71 है और वीवो Y53 है। तो A71 दोस्तों, ये देखिए नेट इस आपका स्पीड होगा तो तुरंत सारा कुछ हो जाएगा। ये ओप्पो का A71 का डाला है इन्होंने, तो ये बोर्ड है, ये फ्रंट का है, ये बैक का है दोस्तों। तो आरडीओ होगी, इसके सेक्शन से आपको प्रॉब्लम हो आप इसे देख सकते हैं, डेड वेट कैमरा और डिस्प्ले का ही आप ले लीजिए, तो डिस्प्ले में आप ले लीजिए एलसीएम, ये आपको नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। कॉम्पोनेंट का सीरीज कलर सेटिंग, ये सारे चीज आपको नॉलेज होना चाहिए। तो सोल्यूशन फर्स्ट में ही देखिए, बस आपको एक यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे प्लस के आइकन में जाना है, तो फिर आपको ये देखिए रिप्लेस या जम्पर, आपको एकदम सारा कुछ पिक्सल वाइज सब कुछ दिखाया जाता है। पहले तो चेयर 4 लेग की आईसी लगी है या फिर कोई कॉम्पोनेंट्स है या तो डायोड है, ये कॉम्पोनेंट्स का नॉलेज आपको होना चाहिए कि ये कौन सा कॉम्पोनेंट्स है, ये कौन सी आईसी है। तो ये दोस्तों अगर ये नॉलेज नहीं है तो ये एफेंडर मत लीजिएगा, आपके लिए बेकार है। अगर आपके पास नॉलेज है और नॉलेज नहीं है तो आप ज्वाइन करिए इसे टेलीकॉम, आपको दिए गए नंबर पे कॉल करिए। सेकंड देखिए ब्लिंक कहाँ पे कर रहा है, देखिए ब्लिंक यहाँ पे कर रहा है, जंपर करने के लिए बोल रहा है। अगर कॉन्फ्रेंस का नॉलेज में बार बार इसलिए कॉन्फ्रेंस का नॉलेज बोल रहा हूँ दोस्तों कि आपको ट्रेसिंग आनी चाहिए, और कॉन्फ्रेंस का नॉलेज आप चेक भी कर सकते हैं, ट्रेसिंग आपको पता होगा दोस्तों, सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। प्लस पे आइटम पे जाते हैं, उसको स्कोर करते हैं, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे बूस्ट कॉइल या फिर जो भी लगा हुआ है, आपको कॉन्फ्रेंस के बारे में बार बार वही बातें आ रही हैं, तो ये आप इसे जम्पर करेंगे दोस्तों। कॉइल हो सकता है, डुअल कॉइल हो सकता है, ये आपको फाइंड करना है, आपको पहचानना है दोस्तों, चलिए ठीक है। इनका थर्ड सोल्यूशन है जो कि मैंने आपको बता ही दिया है सारा चीज। अभी देखिए आईसी पे ब्लिंक कर रहा है दोस्तों रिप्लेस, ठीक है। ऐसे सारे मॉडल को आप कर सकते हैं, ओप्पो वीवो Y53। और सबसे बेस्ट दोस्तों मैं बता दूँ, ये एप्पल के सेट के लिए बहुत ही अच्छा है, और एप्पल का भी मैं आपको दिखा दूंगा, ये देखिए सारा चीज वही है। बस मैं आपको हाईलाइट दिखा देता हूँ अभी तक जो है अपडेटेड फोन में और जो सा है एप्पल के फोन में। देखिए एप्पल के फोन में एक्स तक के आ गए, सबसे बेटर यही है कि एप्पल का फोन है 6-7, एप्पल 7 का देख लीजिए दोस्तों, इसके बहुत ही नैनो कॉम्पोनेंट्स होते हैं, तो फाइन ट्रेसिंग करने में थोड़ी हो सकता है। तो दोस्तों आप इसे देखिए डाउनलोड हो गया है, अब देखिए कुछ भी आडियो पूरा सर्किट आ गया आपके सामने, सारा सब कुछ बोर्ड आ गया है। तो कैमरा चार्जिंग डिस्प्ले कुछ भी दोस्तों, अगर चार्जिंग में कोई फॉल्ट है तो फेक चार्जिंग नॉट चार्जिंग का आता है, तो सारा सब कुछ है दोस्तों। देखिए यहाँ पे और कहीं पे ब्लिंक नहीं कर रहा है, तो कहीं पर ब्लिंक नहीं नजर आ रहा होगा, पर यहाँ पे ब्लिंक एक कर रहा है। तो देखिए इस कॉम्पोनेंट को फाइंड करें, यहाँ पे ये कॉम्पोनेंट बता रहे हैं, तो आप इसे फाइंड करके टेस्टिंग करके
ही आगे का काम करेंगे। ठीक है। और सैमसंग सबसे ज्यादा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, सैमसंग के सेट भी आते हैं, बहुत से ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं, तो अभी इतने सेट ऐड हुए हैं, A5, J1, J3, J5, J7, J7, तो सबसे ज्यादा मार्केट में दोस्तों, तो आप इसे फाइंड कर सकते हैं। देखिए मैं सैमसंग का भी दिखा देता हूँ, चलो 4 दिन, 1 चार्जिंग का सैमसंग भी नहीं आता है दोस्तों। तो वीडियो कुछ लंबी हो गई, पर दोस्तों जो टेक्नीशियन है, जो हम जो जिनको दोस्तों सीखना है वो देखेंगे, और जिन्हें नहीं देखना है तो वो डिसलाइक कर सकते हैं, या तो देखेंगे ही नहीं। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर दोस्तों मैं आपको बता दूँ, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कोर्स आपको सीखना है या तो आप सीखना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं अंदर, और मैं आपको बता दूँ, मैं ऐसे टेलीफोन में ज्वाइन कर चुका हूँ दोस्तों, तो आप वहाँ पे आइए, बहुत चीप लेवल का काम यहाँ पे सिखाया जाता है। ठीक है दोस्तों।